हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जेम्पशन के रिगार्डिंग। अगर आप सीएमए कोर्स कर रहे हो तो शायद आपको ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए, एग्जेम्पशन क्या होता है और इसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है एंड कैसे आप क्लेम कर सकते हो। सो हम बात करते हैं, सीएमए में तीन लेवल है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। फाउंडेशन लेवल में आप किसी भी सब्जेक्ट में मोर देन 60 मार्क्स लेके आते हो फिर भी आपको एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फाउंडेशन में कोई एग्जेम्पशन नहीं है आपको। अगर आप सपोज मान लो आपने किसी सब्जेक्ट में 60+ लेके आया है बट आपका एग्रीगेट लेस देन 200 मार्क्स है तो आप क्वालिफाइड नहीं हो ऑलरेडी आप फाउंडेशन, प्लस आपको 60 मार्क्स का बेनिफिट आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं मिलेगा। लेकिन ये एडवांटेज इंटर एंड फाइनल लेवल पे आपको मिलेगी। कैसे एडवांटेज मिलेगी? तो एग्जेम्पशन का दो प्रोसीजर है, दो टाइप से एग्जेम्पशन आपको मिलती है। पहला क्या है कि अगर आप सपोज आपने किसी एक सब्जेक्ट में 60+ लेके आए हो प्लस आपने बाकी के सब्जेक्ट में 40+ मार्क्स आपके हैं, यानी बाकी सारे सब्जेक्ट में आप पासिंग मार्क्स को आपने टच कर दिया है 40 मार्क्स, या फिर आपने 40 मार्क्स से आपने ज्यादा लेके आया है लेकिन आपका एग्रीगेट मार्क आपका शॉर्ट कर गया है यानी 200 से कम है और किसी एक सब्जेक्ट में आपका 60+ मार्क है, इस केस में आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको 60 मार्क्स का बेनिफिट मिल जाएगा, यानी पूरे के पूरे 60 मार्क्स आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे एंड आप उसको एबिल कर सकते हो। एबिल करने के लिए क्या करना है, आपको उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर में आपको प्रेजेंट नहीं होना है, दैट्स इट। बस आप अपने मार्क्स को आप एबिल कर सकते हो। दूसरा तरीका है, दूसरा एग्जेम्पशन ये है, दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि आपके किसी एक सब्जेक्ट में 60+ तो आया लेकिन आपके किसी एक सब्जेक्ट में 40 से कम भी है, तो यानी अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में और फिर आपके पास 60 मार्क्स आते हैं तो उस केस में जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो 60 मार्क्स का नहीं मिलता, वो 50 मार्क्स का मिलता है, यानी नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको उस पेपर में प्रेजेंट नहीं होना है और आपके सिर्फ 40 मार्क्स ही काउंट, 50 मार्क्स ही आपको काउंट किए जाएंगे एंड आपको रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट में आपको 150 मार्क्स लेके आना होगा। 50+150 इक्वल टू 200 मार्क्स आपके हो जाएंगे एंड आप सीएमए इंटरमीडिएट के एक ग्रुप या फिर आप फाइनल के ग्रुप क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपको रिमेनिंग सारे पेपर मिला के आपको 350 मार्क्स लाना पड़ेगा, बिकॉज बोथ ग्रुप क्वालिफाई करने के लिए आपको 400 मार्क्स चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं कुछ और चीजों के ऊपर। जैसे अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो आपको 400 में 200 सब्जेक्ट 200 मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं अगर आप सिंगल सिंगल ग्रुप देते हो, लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो आपके पास टोटल 800 का पेपर होता है और 800 में आपको 400 मार्क्स लाने पड़ते हैं। अब ये 400 मार्क्स कैसे कैलकुलेट की जाते हैं, सपोज मान लो कि मेरा ग्रुप फर्स्ट में पर पेपर 40 मार्क्स से ऊपर है एंड टोटल 180 मार्क्स ही है मेरे पास, लेकिन मेरा जो ग्रुप टू में है वहां पे भी मेरे पास सारे सब्जेक्ट में 40 से ऊपर हो और मेरे पास टोटल मार्क्स 240 है, तो इस केस में 240+180 को काउंट कर लिया जाएगा और मैं सीएमए इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर जाऊंगा या फिर मैं सीएमए फाइनल क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है, आपके एक ग्रुप के मार्क्स दूसरे ग्रुप में सेट ऑफ हो जाते हैं एंड आप इस सेट ऑफ का एडवांटेज लेके आप बोथ ग्रुप दोगे तो आपके पासिंग होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। बिकॉज अगर इंटर लेवल पे बात करूँ तो ग्रुप 1 थोड़ा डिफिकल्ट है, वहां पे मार्क्स लाना डिफिकल्ट है। सेम फाइनल में भी ऐसे ही ग्रुप 3 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप ग्रुप 1 या ग्रुप 3 में 160, 170 या 180 भी आप लेके आते हो, आप दूसरे ग्रुप में 220 या 240 लेके आते हो तो आप कंपनसेट करके आप इंटरमीडिएट एंड फाइनल को आप क्वालिफाई कर सकते हो। होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलते रहेगा एंड मैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज अच्छी अच्छी लेके आते रहूंगा। थैंक्स, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।